हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आज राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड डाल दिए गए हैं और डेट आपको पहले से प्रस्तावित थी, जो बता दी गई थी कि 23 और 24 तारीख को ये एग्जाम होना है आपका। ठीक है, तो आप सभी RSM SSB की वेबसाइट, या अगर हम बात करें तो आपकी जो SSO लॉगिन आईडी है, उस पर जाकर के आपके जितने भी जो भी स्टूडेंट राजस्थान पटवार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी अपने कॉल लेटर डाउनलोड करके उचित जो आपका सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर आया उसका पता कर ले पहले ही। ठीक है, और टाइम पर प्रॉपर आपकी जो एडमिट कार्ड के साथ फोटो लेकर के और टाइम पर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा पिछली क्लासों में हम कंप्यूटर की क्लासें कंटिन्यू कर रहे थे, जिनके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने लायक हैं परीक्षा के दृष्टि से, उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला को आज भी कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा आज की क्लास का जो आपका पहला क्वेश्चन है, वो आज आपकी स्क्रीन पर है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के में भी। आज की क्लास में मिक्स क्वेश्चन है भाई, जो सभी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, सारा लगभग लगभग मैक्सिमम 70-80% आप अपन ने सिलेबस को कवर किया आज की क्लास में। देखिएगा इसके अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर कीजिएगा। फाइबर में डेटा ट्रांसमिट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बताइएगा, ऑप्टिकल फाइबर जो अपन केबल के रूप में आज के समय में इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, उसमें डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यानी कि डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वाइब्रेशन का, साउंड का, बिजली का करंट, या प्रकाश का? तो देखिएगा यहाँ का इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाइट। देखिएगा हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इस तरह की एक क्या होती है, सूक्ष्म ट्यूब होती है, ठीक है, छोटी सी। और इसके अंदर बात करें तो एक और भी छोटा छिद्र होता है बाल के आकार, केस केस नली के समान, और जो आपका सिग्नल होता है उसको इसके अंदर से लाइट के रूप में इस तरीके से ट्रेवल करवाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बता दूं मैं, तो ये TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो भी डेटा का आदान प्रदान या संचार होता है तो किसके रूप में होता है भाई? प्रकाश के रूप में होता है, लाइट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नेटवर्क डिवाइस है? देखिएगा छोटा नेटवर्क, ठीक है, तो छोटा नेटवर्क डिवाइस आपका निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या आपका वर्क स्टेशन छोटा होता है, क्या आपका सर्वर छोटा होता है, मोबाइल डिवाइस छोटा होता है, या VPN छोटा होता है? देखिएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्क स्टेशन। क्या हो जाएगा भाई? वर्क स्टेशन, सॉरी, यहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा छोटा नेटवर्क डिवाइस है, सॉरी नेटवर्क वो नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में हमसे, इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है नेटवर्क डिवाइस है पूछा है। तो हमारा नेटवर्क डिवाइस छोटा किस कौन सा हो जाएगा भाई? मोबाइल, मोबाइल डिवाइस होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा सी इज राइट आंसर, मोबाइल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नेटवर्क केबलिंग का एक प्रकार है? केबलिंग का मतलब कि जिसके अंदर डेटा का आदान प्रदान किसके रूप में होता है, इसके रूप में होता है वायर्ड। तो वायर नेटवर्क की बात करें तो क्या आपका फाइबर ऑप्टिक होगा? बिल्कुल होगा, केबलिंग का, इसमें भी केबल होती है, ऑक्सियल, इसमें भी केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर वायर, इसमें भी। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी में अगर हम बात करें, भले ही अगर डेटा संचरण का जो फॉर्मेट है वो अलग हो, प्रिंसिपल अलग हो, ठीक है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डेटा लाइट के रूप में होता है, कोक्सियल केबल में इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में होता है, ठीक है, पावर के रूप में होता है, इसी तरीके से ट्विस्टेड पेयर में भी आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में होता है, लेकिन ये सभी आपके क्या है, केबल की तरह होता है, इनका जो वायर होता है वो आपका केबल के रूप में होता है। देखिएगा
टू स्टेट पावर इसकी पेयर की बात करें तो आपने सामान्य रूप से इस तरह की केबल देखी होगी, ठीक है, वो हो गई। अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो जस्ट आपको बताया ही था इस तरह का वायर होता है, ठीक है, इसमें एक महीन छिद्र होता है। और अगर हम कोक्जियल केबल की बात करें तो सामान्य रूप से कोक्जियल केबल अगर आपने देखी हो तो देखिएगा इस तरह का बाह्य आवरण होता है इसका, इसके अंदर एक इंटरनली आवरण होता है जिस पर बहुत सारा वायर इस तरीके से लगा हुआ होता है और इसमें से एक कॉपर का वायर निकला हुआ होता है। सामान्यतः जो हमारे D2H लगी होती है घर पर डायरेक्ट टू होम, ठीक है, अगर हम उसके वायर की बात करें जो कि हमारी डिश की छतरी से लेकर के और टीवी के सेटअप बॉक्स तक आता है, वो आपका कौन सा होता है? कॉक्जियल केबल, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CSMA क्या है? CSMA देखिएगा, एक होता है CDMA, ठीक है, एक होता है GSM, ठीक है, ये सामान्यतः इंटरनेट सॉरी मोबाइल कम्युनिकेशन में काम में ली जाने वाली टर्म है। इनका डायरेक्ट फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है तो इसका CDMA का फुल फॉर्म है कॉर्ड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GSM की बात करें तो ग्लोबल सिस्टम मोबाइल, ठीक है, ये होता है इन दोनों का फुल फॉर्म। तो यहां पे हमसे पूछा CSMA, CSMA की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, कॉक्जियल केबल की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो देखिएगा कॉक्जियल आपसे सिर्फ और सिर्फ कॉक्जियल केबल की मुख्य विशेषता पूछी है, हाईली सिक्रेट होती है, फिजिकल डायमेंशंस होती है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस डेटा को ट्रेवल करवाने के काम में ली जाती है, या इजिली टेप्ड होती है। तो देखिएगा हाईली सिक्रेट, सिक्योरिटी की बात करें तो कोई कह नहीं सकते, फिजिकल डायमेंशंस कह नहीं सकते, लॉन्ग डिस्टेंस इसकी बात करें तो डेटा का जो हम एक स्थान से बहुत अधिक दूरी तक डेटा को क्या करवा सकते हैं? ट्रांसमिट करवा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल ट्रैफिक के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? देखिएगा अगर हम बात करें इंटरनेट, इंटरनेट के अंदर कुछ इंपोर्टेंट क्या होते हैं आपके प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल क्या होता है भाई? विशिष्ट निर्देशों का क्या होता है? एक एक सेट होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत कुछ रूल होते हैं, ठीक है, कुछ नियमों का समूह होता है, नियमों का सेट होता है। जैसे आप देखते हो हमारे PM कभी भी कहीं पे जाते तो उनका पर्टिकुलर कोई प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, उस प्रोटोकॉल के तहत उनकी जो कुछ भी जानकारी होती है वो गुप्त रखी जाती है। इसी तरीके से इसके कार्य करने के लिए इंटरनेट के अंदर प्रत्येक भाग के अलग अलग क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं उनके, उनको उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ईमेल ट्रैफिक के लिए किस प्रोटोकॉल का हम उपयोग करते हैं? तो देखिए ARP नहीं करते, DNS नहीं करते, SMTP, SMTP की हम बात करें तो आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ऐसे IM ये भी इसका आंसर नहीं होगा, केवल और केवल आपका SMTP होगा। ये एक आपका क्या है? प्रोटोकॉल का प्रकार है भाई, SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमेल सर्वर की सुरक्षा के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? देखिएगा सेफ्टी की बात कर रहे हैं यहां पे, सिक्योरिटी की बात, ठीक है, सुरक्षा के लिए किसका? SMTP, रिले सेटिंग, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, SS कंट्रोल, है उपरोक्त सभी। तो इसका आपका जो आंसर होगा भाई, देखिएगा SMTP रिले सेटिंग बिल्कुल हो सकता है क्योंकि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की तो हमने अभी जस्ट बात करी थी, ठीक है। अगर हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की करें तो वो भी आपका क्या करवाता है? आपको सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। SS कंट्रोल की बात करें तो ये भी एक तरीके से सेफ्टी होल है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फायरवॉल के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखिए फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल की बात करें तो एक इस तरह की सुरक्षा दीवार होती है, अगर कोई इधर से, ये पूरी आपकी क्या है? अर्थ है, और इस अर्थ में अगर हम बात करें तो ये पूरा वर्ल्ड आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम देखिएगा बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की, जो ये आपका क्या है, एक तरीके से पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है इंटरनेट की दुनिया से। अगर ये पर्टिकुलर आपका कोई यूजर है, ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है? इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है,
तो इसके पास में क्या होगा, पूरी दुनिया की वेबसाइट जब भी एक्सेस करेगा तो कुछ ना कुछ चीजें यानी वायरस के रूप में, ठीक है, आपके कंप्यूटर के पास में आ सकती है। क्या भाई, जहां जिस कंप्यूटर को आप एक्सेस कर रहे हो, और इस कंप्यूटर पे अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या होता है, बैंकिंग डिटेल को भी हम हमारी आईडी को भी लॉगिन कर लेते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म की हमारी लॉगिन आईडी, ठीक है, और उसके पासवर्ड हम लोग सेव करके रख लेते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम होता है पर्सनल। बट जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ हैकर्स या कुछ अनवांटेड लोग ऐसे होते हैं जिनके द्वारा आपकी इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है उनको एक्सेस करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कुछ ऐसे प्रोग्राम या वायरस बनाए जाते हैं जो आपके सिस्टम पर आ जाए और फिर वो आपकी जो भी गोपनीय चीजें उनको एक्सेस कर लें, ठीक है। तो उस चीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीके से एक सेफ्टी वॉल का उपयोग करते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, फायर वॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा अग्नि, ठीक है, अग्नि अगर जलती है मोमबत्ती के, तो मान लो अगर कोई चीज है इधर रखी हुई है हमारे पास में, ठीक है, और कोई कीड़े वगैरह इसके अंदर आएंगे तो अगर वो इधर से गुजरेंगे तो क्या वो जल के नष्ट नहीं हो जाएंगे क्या? तो उसी तरीके से सेफ्टी के लिए इसका यूज करते हैं। तो नेटवर्क ट्रैफिक या फिल्टर करना, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को सुरक्षा प्रदान करना, रूल का अनुसरण करना, उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा, देखिए नेटवर्क ट्रैफिक या फिल्टर का को फिल्टर करना, बिल्कुल फिल्टर कर देती है क्योंकि अनवांटेड चीजें अगर इंटरनेट की दुनिया से आएंगी तो उनको ये रोक लेती है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को सुरक्षा, बिल्कुल ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी आपका जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको सेफ्टी। रूल का अनुसरण, बिल्कुल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है ये। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका, उपरोक्त सभी। देखिएगा उपरोक्त सभी हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन फायरवॉल कनेक्शन, ठीक है, स्टेट को ट्रैक रखता है, ट्रैक करके रखता है, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, रूटर, इनहेंस फायरवॉल, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो देखिएगा केवल और केवल जो कनेक्शन स्टेट को ट्रैक करता है वो आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है। कौन सा होता है भाई, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फायरवॉल को किस कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है। तो अभी मैंने आपको समझाया था फायरवॉल सिक्योरिटी एक्सपोजर करने के लिए, इंटरनेट एक्टिविटी पर लॉग इन होना, ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी में मदद करना या वायरस से बचाना। तो इसका अगर हम स्पेशल पर्पज देखें तो भाई ये वायरस से बचाने का कार्य करता है, ठीक है, वायरस से बचाने में हमारी मदद करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायरस से सेफ्टी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था से जोड़ा जाता है। देखिएगा माइक्रो कंप्यूटर की अगर बात करें तो जितने भी आपके डेस्कटॉप और आपके पीसी पर्सनल कंप्यूटर, इसके अलावा लैपटॉप, ठीक है, टैबलेट, नोटबुक, ये सभी आपका किसके अंतर आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था से जोड़ा जाता है, वीडियो के द्वारा, मॉडेम के द्वारा, यूनिक्स के द्वारा, सीपीयू, देखिए सीपीयू के द्वारा नहीं, टेलीफोन से जोड़ रहे हैं हम, ठीक है, यूनिक्स के द्वारा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा वो होगा भाई मॉडेम, इसके द्वारा जोड़ते हैं मॉडेम। मॉडेम आपका क्या करता है, एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और आपके डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग में। अभी किधर किधर करता है, ट्रांसमिट इंड पर तो ये करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट, और रिसीविंग इंड पे ये करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सनल कंप्यूटर आप में कनेक्ट किए जा सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर आपस में है भाई, ये आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, यानी कि पीसी टू पीसी कौन से नेटवर्क के द्वारा आपस में एक दूसरे की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, डेटा हो सकता है हमारा, उसको एक्सेस कर लें, ठीक है। तो सर्वर में, सुपर कंप्यूटर में, नेटवर्क में, नोड में। तो देखिएगा नोड तो खुद कंप्यूटर, पीसी टू पीसी ये अपने आप में क्या कहलाते हैं, नोड। सर्वर की बात करें तो सर्वर में, ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें
तो यहां पर जो नेटवर्क है वो अपने आप में सर्वर से बड़ा है, ठीक है। नेट सर्वर भाई अपने आप में छोटे रूप होते हैं नेटवर्क के, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर में तो सुपर कंप्यूटर भी नहीं होगा, सर्वर भी नहीं होगा, हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई इसका, नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिम, सिम का पूरा रूप बताइए, देखिएगा सिम का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था, सब्सक्राइबर, जीएसएम का फुल फॉर्म बताया था, सीडीएमए का बताया था, ठीक है। तो इसका भी याद रखिएगा, सब्सक्राइबर, ठीक है। देखिएगा आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी फुल फॉर्म है, अगर हम बात करें इन क्लास में तो अगर हम इनको लिखें तो हम और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे भाई। तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल क्या हो जाएगा भाई फुल फॉर्म इसका, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किया जाता है, देखिएगा चित्र का मतलब होता है आपका वीडियो, ठीक है, या हम इमेज बोल दें, ठीक है। तो चित्र संदेशों की अगर हम बात करें तो क्या मोड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के द्वारा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा, फेज मॉड्यूलेशन के द्वारा, या एंगल मॉड्यूलेशन के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर देखिएगा अगर हम ऑडियो प्लस वीडियो दोनों को समझें तो ये जो होता है ये आपका होता है भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के द्वारा। एम्पलीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, आयाम, और जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वर्क करता है तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी और फेज ये क्या होते हैं भाई, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के द्वारा। दूरदर्शन से जितने भी वीडियो सिग्नल्स जो आपकी टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं वो सभी, उनमें जो मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है वो आपका कौन सा होता है भाई, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, देखिएगा आपने पढ़ा होगा आजकल वाईफाई, ठीक है, लाईफाई, ये सभी आपके क्या है, वायरलेस नेटवर्क है। तो यहाँ वाई मैक्स, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मिसाइल प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। तो वाई मैक्स की अगर हम बात करें तो किससे संबंधित है भाई, संचार प्रौद्योगिकी, किसके अंदर आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वाई मैक्स जो आपका किससे संबंधित है भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक छोटा नेटवर्क है, देखिएगा सबसे छोटा नेटवर्क पूछा है। तो नेटवर्क की अगर हम बात करें तो हमारे पास में नेटवर्क की दुनिया में तीन तरह के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। इसके अलावा बात करें तो लैन से एक छोटा और होता है कैंपस नेटवर्क, ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क, तो वो लैन का ही सूक्ष्मतम रूप होता है कैंपस, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, कैन के नाम से जानते हैं। ये होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। देखिएगा सबसे छोटा हमारा होता है लैन या कैन, अगर आपको ऑप्शन में कैन मिलता है तो आपको कैन करना है, अन्यथा अदरवाइज आपको क्या करना है भाई, लैन सबसे छोटा पूछे तो, उससे बड़ा पूछे तो आपका क्या होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और सबसे बड़ा होता है जो होता है आपका मैन, ये मीडियम होता है और ये सबसे छोटा होता है स्मॉल होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर कौन सा पूछा है आपसे, सबसे छोटा नेटवर्क, तो हमारा हो जाएगा भाई लैन, क्या हो जाएगा लैन, लोकल एरिया, इसका काफी बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, कंप्यूटर का जाल क्रमित नेटवर्किंग करना है, यानी कि निम्नलिखित में से एक तरीके से नेटवर्किंग में जो कंप्यूटर का जाल पूरा यूज में करते हैं हम, वो निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, ठीक है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है। तो देखिएगा अगर हम नेटवर्किंग का यूज करें कंप्यूटर में, नेटवर्किंग का यूज करने से क्या फायदे हो सकते हैं, तो बिल्कुल रिस्क बढ़ जाता है, कंप्यूटर की यूजेज की कैपेसिटी बढ़ जाती है, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है। तो इसका ऑल ऑफ अबो सभी, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, देखिएगा
एक तरीके से अगर हम बात करें, कोई चीज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं यहां से, ठीक है, और ये रिसीविंग एंड है, ये आपका कौन सा कंप्यूटर रिसीवर, और यहां से आप कोई डेटा भेज रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो। तो देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। देखिएगा अगर हम यहां से दे रहे हैं 100% कोई इनपुट दे रहे हैं, कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हमको आउटपुट में भी वो 100% मिले, यानी कि लगभग 0% आपके क्या हो, लॉसेज हो बीच में, और भले ही लॉन्ग डिस्टेंस तक आपका सिग्नल को हम ट्रेवल करें। तो सिग्नल क्या होता है, जैसे जैसे दूरी तय करता है वैसे वैसे, यहाँ पे 100 था तो मान लेते हैं बीच में वो 80 हो जाता है, तो उसको हम फिर से बूस्ट करें, फिर से उसमें क्या करें भाई, 20% की वृद्धि करें, उस सिग्नल को बढ़ा करके एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन करें, वही 100%। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिपीटर्स, क्या यूज करते हैं भाई, रिपीटर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका रिपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क है। देखिएगा यह पर्सनल नेटवर्क होता है। अब पर्सनल नेटवर्क आप पूछोगे सर क्या होता है, पर्सनल नेटवर्क का मतलब है अपने खुद का, स्वयं का नेटवर्क, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं हम, निजी नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। निजी का मतलब हो गया प्राइवेट, ये आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। तो किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क है, यानी कि अगर ये कोई कंपनी है, ठीक है, इसका कोई ए ब्लॉक ये रहा, इसका एक बी ब्लॉक है, इसका सी ब्लॉक है, और ये इसका डी ब्लॉक है, ठीक है, और इनका पर्सनल खुद का क्या है भाई, इनका खुद का एक कोई नेटवर्क है, ठीक है। तो ये क्या करते, अगर कोई ए ब्लॉक के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके डेटा का आदान प्रदान बी ब्लॉक में करना हो, तो ये इस नेटवर्क की मदद से आपस में एक दूसरे के ब्लॉकों से आदान प्रदान कर सकते हैं, ये इससे कर सकता है, ये इसमें कर सकता है, ये इसमें, ठीक है, ऐसे ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसके लिए कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं भाई, तो उसके लिए अगर हम बात करें, जब ये आपस में किसी एक ही जगह जुड़े हुए हो, तो उसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं भाई, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2G स्पेक्ट्रम में, यहां पर जी शब्द का तात्पर्य क्या है, जी किससे रिलेटेड है, तो आपको मैं बता दूं, देखिएगा 2G 3G आजकल 4G चल रहा है और 5G मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर जो है इन नेटवर्क का प्रकार है, ये नेटवर्क की जो टेक्नोलॉजी है ना, सॉरी कम्युनिकेशन के अंदर जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ये जो सिम वगैरह यूज करते हैं ना, सिम, तो सिम के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, इन्हीं के नाम से जानते हैं, 2G 3G 4G। तो यहां पर जी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जनरेशन, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी, सी हो जाएगा, जिन सभी का सी राइट है, सी आंसर है, उन सबका सही है। देखिएगा संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है। देखिएगा ये बड़े लेवल की बात हो रही है, प्रादेशिक यानी कि एक छोटी जगह से बड़ी जगह, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र, वैश्विक का मतलब हो गया आपका विश्व लेवल पर, और विश्व जब वर्ल्ड की बात करते हैं हम, तो वर्ल्ड की बात कर रहे, देखिएगा वर्ल्ड भी डब्ल्यू से शुरू होता है और वैन भी, वाइड एरिया नेटवर्क भी डब्ल्यू से शुरू होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा भाई, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म पूछा है हमसे। तो सीडीएमए का मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था तभी मैंने बताया था, कॉड डिवीजन, कॉड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये होता है भाई इसका फुल फॉर्म, क्या हो जाएगा, कॉड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कॉड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सी, सी इज राइट आंसर होगा भाई इसका, क्या होगा, सी। देखिएगा इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। देखिएगा ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, देखिएगा ब्लूटूथ का अगर हम यूजेज देखें तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किन क्या कार्य करने के काम में ली जाती है, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को यूज करने में, मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसारण को, लैंडलाइन से मोबाइल फोन संचार, सैटेलाइट टेलीफोन संचार। देखिएगा
डी नहीं होगा और आपका सी भी नहीं होगा। बचे आपके दो, मोबाइल फोन पर सिग्नल, क्या ये सिग्नल भेज सकते हैं क्या ब्लूटूथ से? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, किन्हीं भी दो उपकरणों के बीच में, अब भले ही वो आपके टच स्क्रीन मोबाइल हो, इन दोनों के बीच में अगर हम डेटा का आदान प्रदान करें या वायरलेस एक दूसरे को कनेक्ट करके हम फाइलों का इधर से इधर भेज सके और इधर से फिर से आप प्राप्त कर सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या राइट होगा भाई, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार करने के लिए, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट। देखिएगा दो टर्म होते हैं, एक होता है इंटरनेट और ये है हमारा इंट्रानेट। तो इंट्रानेट का शाब्दिक अर्थ क्या है, देखिएगा सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट, नहीं, सूचना को बाहरी कंपनी को अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। देखिएगा ये टोटल हिंदी में है भाई, और हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो इसी तरह की लैंग्वेज आएगी, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। तो देखिएगा अभी मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कि कौन सा अपन जब नेटवर्क यूज करते हैं तो वहां पर अपन ने लैन लैन जहां पर हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर अगर हम किसी संस्था की बात करें और इस संस्था के अंदर मान लो ए बी सी ब्लॉक है, तो ये इनमें आपस में डेटा को हम आदान प्रदान कर सकें, उसके लिए देखिएगा हम किस जो नेटवर्क स्थापित करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, इंट्रानेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा सी हो जाएगा भाई राइट आंसर, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए। अंतरण का मतलब होता है भाई आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो आपको इतना भयभीत नहीं होना क्वेश्चन को देख करके, सी हो जाएगा भाई हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंड डिवाइस के लिए सामान्यतः किस सोर्स एवं स्वीकृति का उपयोग पेयर टू पेयर को जोड़ने एवं फाइलवेयर करने के लिए होता है। देखिएगा पेयर टू पेयर का मतलब है एक दूसरे को जोड़ने के लिए कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर को मान लो ये आपका कंप्यूटर एक था, ये आपका कंप्यूटर दूसरा था, तो इनको आपस में भी तो ये डेटा का संचार कर सके भाई। ठीक है, फाइलों को भेज सके, ठीक है, फाइलों का आदान प्रदान कर सके, तो उसके लिए सामान्य रूप से सोर्स एवं स्वीकृति का उपयोग पेयर टू पेयर के लिए हम काई का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं भाई, वर्क स्टेशन का यूज करते हैं। काई का यूज करते हैं भाई, वर्क स्टेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, किसी डिवाइस का उपयोग मोबाइल को नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिएगा मोबाइल फोन को किससे जोड़ सके हैं आप, अपन नेटवर्क से, तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, तो किसका करते हैं हम। ठीक है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, बिल्कुल ये मोबाइल की बात ही होता है आपका, एक विशेष तरह का इस तरह का, देखिएगा क्या होता है ये, इस तरह का एक टेबलेट के नुमा होता है जिस पर आप आपके क्लाइंट्स की डिटेल, क्लाइंट्स के फोन कॉन्टेक्ट नंबर, उनकी फोटोज, उनके बायोडेटा, सारी चीजें आप रख सकते हो। इसके अलावा बात करें तो पेजर, देखिएगा पेजर और पीडीए, पर्सनल डिजिटल पीडीए की बात करें तो इसको बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो पीडीए और पेजर आपके जो दोनों होते हैं ना, ये इनके इनके ये क्या करते हैं, ये आपके मोबाइल पे भी काम कर लेते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क से एक तरीके से जोड़ना हो गया आपका मोबाइल को। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई डी, इसमें पीडीए और पेजर दोनों दोनों होगा राइट आंसर। देखिएगा लैन के लिए फायरवॉल उपयोग करने से क्या लाभ होते हैं, अगर लैन में हम फायरवॉल का उपयोग करें तो हमें क्या लाभ होगा, मैसेज को एक्सेस करने में मदद मिलेगी, अलग अलग रिसोर्स को अनुशासित रूप से कंट्रोल कर लेंगे, या लैन के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। देखिएगा फायरवॉल मैंने सिखाया था आपको क्या करता है भाई, ये जब वायरस आ जाता है कंप्यूटर में तो उसे बचाने में रोकता है, यानी कि वायरस ना आए सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा लैन के लिए सुरक्षा प्रदान करना, इसके अलावा अलग अलग रिसोर्स को
अनुशासित रूप से कंट्रोल करना, तो हमारा क्या होगा भाई, डी होगा इसका भी, बी और सी दोनों सही होंगे। मैसेज को एक्सेस करने में इसका उपयोग नहीं होता भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों राइट आंसर हो गए। देखिएगा आर ए एस क्या है, देखिएगा ढंग से पढ़िएगा, ये रैम नहीं है, आर एम रैंडम रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है ये। रैम की फुल फॉर्म तो क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहां पर है आर ए एस। तो आर ए एस की बात करें तो आर ए एस जो यहां पर है रिमोट एक्सेस सर्विस, रिमोट एक्सेस सर्विस ऐसी सर्विसेज जो ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग में आती हैं, वो आपकी रिमोट एक्सेस सर्विसेज कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो साइट के बीच प्राइवेट कम्युनिकेशन एनक्रिप्शन एवं आधिपत्य देता है, निम्न में से कौन सा उत्तम, निम्न में से कौन सा ऑप्शन ठीक है इस नेटवर्क के लिए काम में लिया जाता है, कौन सा ये उत्तम नहीं है, यहां पर निम्न में से कौन सा सबसे अधिकतम है ये, अधिकतम है भाई, करेक्शन कर लीजिएगा इसमें। दो साइटों के बीच प्राइवेट कम्युनिकेशन एनक्रिप्शन एवं आधिपत्य देता है, आधिपत्य का मतलब होता है उसको अधिकार देता है ठीक है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिकतम इस नेटवर्क के लिए है, तो देखिएगा मॉडेम फायरवॉल, फायरवॉल से एक सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, मॉडेम आपका क्या करता है डेटा संचरण में काम में लिया जाता है, होस्ट, होस्ट आपका एक तरह का इंटरनेट की दुनिया में बात करें तो दो चीजें होती हैं, डोमेन होता है भाई, एक आपका होस्ट होता है। एक तरीके से बात करें तो इंटरनेट पर जब हम कोई भी चीजें हमारी वेबसाइट वगैरह बनवाते हैं तो मुख्य रूप से दो चीजें बहुत जरूरी होती है, डोमेन, डोमेन होता है आपका कोई भी वेबसाइट की बात करें अपन तो जो उसके पीछे .com .co .in .org इस तरीके से जो पीछे ये एक्सटेंशन लगे होते हैं ठीक है .edu education ये सभी आपके क्या कहलाते हैं भाई, डोमेन कहलाते हैं। और होस्ट की बात करें तो होस्ट होता है आपका इंटरनेट के अंदर आपको स्टोर प्रोवाइड करवाना, स्टोरेज जहां पर आप डेटा को स्टोर करके रख सको, तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का वीपीएन, क्या होगा राइट आंसर, वीपीएन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, देखिएगा दो नेटवर्क की बात हो रही है ना कि यहां पर कंप्यूटर की, इन्हीं भी दो नेटवर्क को जैसे अगर हम बात कर लें ये भी लैन नेटवर्क है ये भी लैन नेटवर्क है, इनको अगर हम आपस में जोड़ें तो किससे जोड़ेंगे ठीक है, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो गेटवे यूज करते हैं भाई, ये नेटवर्किंग डिवाइस है, ये सभी आपकी क्या कहलाती है, नेटवर्किंग डिवाइसेज। देखिएगा नेटवर्क अलग होता है, नेटवर्किंग अलग होती है ठीक है, नेटवर्किंग की डिवाइसेज अलग होती है, और नेटवर्क के अंदर बात करें तो लैन मैन वैन की बात करते हैं, और नेटवर्किंग डिवाइस में देखिएगा बहुत सारी डिवाइसेज होती है, स्विच ठीक है, राउटर, हब ठीक है, गेटवे ईटीसी, ब्रिज, ये सभी आपके क्या होते हैं, नेटवर्किंग की डिवाइसेज होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो किसी से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। देखिएगा मैंने काफी बार आपको बताया भी है क्लासों में, बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो एक हमारा क्या होता है भाई, केंद्रीय कंप्यूटर होता है सर्वर, और इसी सर्वर से अगर हम बात करें जो काउंटर्स होते हैं बैंक के अंदर जहां पर आप आपके पैसे जमा कराते हो, कैश काउंटर होता है, पासबुक की डिटेल, कोई भी अकाउंट में अपडेट, वो सभी अगर बात करें तो वो किन से जुड़े होते हैं, उनसे सर्वर के साथ में आपके नोड जुड़े हुए होते हैं, वो अन्य कंप्यूटर जो जुड़े हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम नोड के नाम से जोड़ बोलते हैं। तो अगर हम बात करें सर्वर कंप्यूटर वो होते हैं जो किसी अन्य दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम इनको समझें तो ये आपको किसके मदद से करते हैं, नेटवर्क की मदद से, रिसोर्स भाई जब नोड के साथ में डेटा का आदान प्रदान करेंगे ये सर्वर से जुड़ेगा तो किसकी मदद से जुड़ेगा, नेटवर्क की मदद से जुड़ेगा, बिना नेटवर्क के नहीं एक्सेस कर सकता। इसीलिए अगर आप जाते हो कभी बैंकिंग में तो आपने सुना होगा कि भैया सर्वर डाउन है, क्या है, सर्वर डाउन है, और सर्वर डाउन होने की वजह से आज कोई भी काम बैंक का नहीं होगा, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बाहरी संस्था को इंटरनेट इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना कर कर
यानी कि वही क्वेश्चन है अभी आपको समझाया था, जैसे कि ये कोई संस्था और इसके अंदर तीन चार ब्लॉक हैं, तो ये आपस में अपने डेटा का आदान प्रदान कर सकें, डेटा को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए मैंने बताया था कौन सा नेट यूज करते हैं, इंट्रानेट। कौन सा नेट यूज करते हैं भाई, इंट्रानेट यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सारे कथन पढ़ के देखेगा। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, नहीं भाई सॉफ्टवेयर नहीं होता है मॉडेम, मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, नहीं। मॉडेम प्रचालक तंत्र होता है, नहीं। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल, बिल्कुल हाँ जी मैंने आपको बताया था अगर ट्रांसमीटर इंड की बात करें तो ये एनालॉग सिग्नल को क्या करता है भाई, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और अगर रिसीवर इंड की बात करें तो ये डिजिटल सिग्नल को आपके वो किस में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखिएगा पहला क्वेश्चन जब समझा रहा था तब मैंने बताया था ऑप्टिकल फाइबर आपका किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिएगा पर अपवर्तन पे नहीं करता, प्रकीर्णन पे और इंटरफेरेंस पे भी नहीं करता, टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है, तो देखिएगा मैंने आपको बताया था अगर छोटे कॉलेज की बात करें, कॉलेज को हम क्या बोलते हैं, कैंपस के नाम से भी जानते हैं क्या, कैंपस, तो मैंने बताया था सबसे छोटा नेटवर्क, सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है, लैन, और अगर ऑप्शन में आपको कैन दिया हुआ हो, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, तो हमको लैन को छोड़ करके कौन सा टिक करना है भाई, कैन करना है। अगर वैसे बात करें तो अगर ऑप्शन में कैन नहीं है, लैन है, तो लैन भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट है तो इंटरनेट क्या है भाई, इंटरनेट किसके अंदर आता है, इंटरनेट आता है आपका भाई साहब लैन के अंदर, जो लैन कनेक्शन आप होता है ना पीयर टू पीयर, अपन बहुत सारे कंप्यूटर्स को लैन से जोड़ देते हैं, तो लैन से आपस में कंप्यूटरों को जोड़ना ही आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, इंटरनेट। और इंटरनेट को अपन किस नाम से जानते हैं, लैन के नाम से, ठीक है। देखिएगा दो चीजें हमने पढ़ी, इंटरनेट पढ़ा और इंट्रानेट, तो इंटरनेट किसी भी कैंपस की बात करें, किसी संस्था की बात करें, तो उनका खुद का पर्सनल नेटवर्क हो जाता है एक तरीके से, जो आपस में अगर बड़े बड़े दो ब्लॉक बने हुए या एक दूसरे ऑफिस, ऑफिस के अलग अलग चैम्बर हैं, तो वो आपस में डेटा को आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करने के काम में लेते हैं, वो होता है इंट्रानेट। तो इस तरीके से आज हमने लगभग 30 से 35 क्वेश्चन डिस्कस किए भाई आज की क्लास में, तो देखिएगा ये आपका जो इंटरनेट और नेटवर्किंग वाला पोर्शन है ना, उससे सारे क्वेश्चन थे, इसलिए आपको थोड़े अटपटे लगे होंगे। तो दोस्तों आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ठीक है, आप क्लास को लाइक करें, और देखिएगा एग्जाम नजदीक है, आप क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, और अगर आपको इसी तरीके से सारी चीजें प्रॉपर मिलती रहे, आगामी जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है, जैसे बात करें तो ग्राम सेवक का आगे एग्जाम होगा, उसमें भी आपका कंप्यूटर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, उसमें भी आपके कंप्यूटर है, तो इन सभी एग्जामों की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप